अपनी फिल्म कश्मीर फाइल्स को लेकर काफी चर्चा और विवादों में रहने वाले फिल्मकार विवेक अग्निहोत्री एक और फिल्म लेकर आ रहे हैं। इस फिल्म के टाइटल ने भी सबको चौंका दिया है और सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। इस फिल्म का नाम होगा वैक्सीन वॉर। जी हाँ, फिल्म का एक पोस्टर आउट हुआ है और इस पर टैगलाइन है, एक ऐसी लड़ाई जो आपने लड़ी और जीती भी लेकिन आपको पता नहीं। फिल्म का पूरा प्रोडक्शन पल्लवी जोशी देखने वाली हैं। अगर आप पोस्टर देखेंगे तो एक वैक्सीन की शीशी नजर आएगी, नीचे भारत का झंडा भी दिखाई देने वाला है। कश्मीर फाइल्स का प्रोडक्शन भी पल्लवी जोशी ने ही संभाला था। ये साल की सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली फिल्म बनी थी। फिल्म को 11 भाषाओं में रिलीज करने की बात कही जा रही है। 2023 के स्वतंत्रता दिवस पर वैक्सीन वॉर को रिलीज किया जाएगा, जो इस बात की तरफ पूरा इशारा है कि फिल्म राष्ट्रवादी संदेश देने वाली है। हालांकि अभी कास्ट को लेकर कोई खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन कहा जा रहा है कि इसे लेकर के बेहद बारीकी से काम किया जा रहा है। फिल्म की कहानी को लेकर के भी विवेक अग्निहोत्री ने ज्यादा पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन कहा गया है कोविड के भयंकर हालात में भारत ने जिस तरह पूरी दुनिया को अपने पुरातन ज्ञान, आयुर्वेद विज्ञान, मजबूत इंडियन वैल्यूज और दूरदर्शिता के साथ मार्ग दिखाया, वो इस फिल्म का केंद्र रहने वाला है। विवेक अग्निहोत्री और पल्लवी जोशी इस प्रोजेक्ट की घोषणा के बाद बेहद एक्साइटेड हैं। वैसे भी जब आपका पिछला काम बेहद कामयाब रहा हो और उसने सफलता के झंडे गाड़े हों तो लोग नए काम को लेकर के उत्सुक भी रहते हैं और उम्मीदें भी रखते हैं। देखते हैं अब वैक्सीन वॉर इन सभी उम्मीदों पर कितना खरा उतरती है। फिलहाल तो सिर्फ पोस्टर रिलीज किया गया है।